हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब हमारा आज का टॉपिक है पोलीमर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पोलीमर्स क्या होते हैं पोलीमर्स पोलीमर क्या होते हैं हमारे लॉन्ग मोलिक्यूल्स होते हैं लॉन्ग मोलिक्यूल्स को मैक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं तो पोलीमर हमारे लॉन्ग मोलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत सारी स्ट्रक्चरली सिमिलर स्ट्रक्चरली सिमिलर सब यूनिट्स से मिल बनते हैं और इन सब यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं जो एक दूसरे से कोवलेंट केमिकल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं जैसे कि एग्जाम्पल है इथहन मॉलिक्यूल से हमारा जो है पोलीथाइलिन कैसे बना ये हमारा और एन क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स इन द पोलीमर चेन पोलीमर चेन के अंदर जितनी रिपीट यूनिट्स होती हैं उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन नाउ जो है हमारा पोलीमराइजेशन क्या है द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स कम्बाइन टूगेदर टू गिव पोलीमर इज कॉल्ड इज नोन एज पोलिमराइजेशन पोलीमराइजेशन क्या है वो प्रोसेस जिसमें मोली जो है मोनोमर्स कम्बाइन होकर पोलीमर्स बनाते हैं उसे हमने कहा पोलीमराइजेशन अब इसमें एक और टर्म आती है फंक्शनलिटी फंक्शनलिटी किसे कहेंगे फंक्शनैलिटी मीन्स द नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स इन ए मोनोमर मोनोमर के अंदर जितनी बॉन्डिंग साइट्स होती हैं बॉन्डिंग साइट कह लें या रिएक्टिव साइट कह लें तो वो उसकी फंक्शनलिटी है जैसे हमारा विनाइल का मोनोमर ले हम इसके अंदर दो बॉन्डिंग साइट्स होती हैं तो किसी भी सब्सटेंस के लिए मोनोमर पॉलीमराइजेशन में मोनोमर एक्ट करने के लिए उसके पास एटलीस्ट दो रिएक्टिव साइट्स होने चाहिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पॉलीमर्स का जो हम क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे करते हैं फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर दो तरह के हैं एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर होमोपॉलीमर क्या है इफ अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर्स द पॉलीमर इज टमडेज होमोपॉलीमर यदि हमारा पॉलीमर जो है वो आइडेंटिकल मोनोमर मतलब एक ही जैसे मोनोमर से बनता है उसे हमने कहा होमोपॉलीमर जैसे कि हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं इसमें एक ही तरह का मोनोमर है ए ए टाइप के ही अब दूसरी तरफ कोपॉलीमर क्या है इफ अ पोलीमर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर यदि पॉलीमर हमारा एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर का मिक्सचर होता है तो उसे हम कहते हैं कोपोलीमर जैसे कि हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं ए बी ए बी इसमें हमारे दो तरह के मोनोमर है एक ए और एक बी ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर हमारे तीन तरह के होते हैं एक लीनियर एक ब्रांच एक क्रॉस लिंक्ट जो लीनियर पोलीमर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्टेट चें लीनियर लीनियर पोलीमर्स में क्या होता है हमारे जो है मोनोमर्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन में अटैच रहते हैं और अब उसकी कोई साइड चेन नहीं होती जैसे कि हमारी पोली है पोलीस्टर है नाइलॉन है ये सब हमारे लीनियर पोलीमर हैं अब ब्रांच पोलीमर्स क्या होते हैं इनके अंदर क्या है हमारी जो स्ट्रेट चेन के साथ साथ कुछ ब्रांच भी होती हैं इन्हें हमने कहा ब्रांच पोलीमर्स पोलीमर्स आर इन नेचर बट ऑल्सो पोजेसेज सम ब्रांचेज अलोंग द मेन चेन इनमें ये होते तो लीनियर ही है लेकिन कुछ ब्रांचेज भी इनके अंदर होती हैं इसका एक एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथाइल नेक्स्ट क्रॉसलिंक पोलीमर्स मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए थ्री डायमेंशनल नेटवर्क यदि हमारी मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो कंबाइन होकर एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बना लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पोलीमर जैसे हमारा बेकेलाइट है फॉर्मल डिहाइड्रेसिन है ये हमारा एग्जाम्पल है क्रॉस लिंक्ड पोलीमर्स के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स के बेसिस पे पोलीमर्स दो तरह के हैं एक ब्लॉक कोपोलीमर एक ग्राफ्ट कोपोलीमर ये बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा वैसे तो को पोलीमराइजे को पोलीमर्स का क्लासिफिकेशन है लेकिन हम इसे पोलीमर के क्लासिफिकेशन में काउंट करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स मतलब मोनोमर्स किस तरह से अरेंज है इनके बेसिस पे पोलीमर दो तरह के हैं एक ब्लॉक को पोलीमर एक क्राफ्ट ब्लॉक कोपोलीमर में तो क्या होता है इसमें जो है हमारे आइडेंटिकल मोनोमर्स यूनिट जो होते हैं वो रिपीटेड सीक्वेंस में अटैच होती रहती हैं जैसे इसमें हमारा एक मोनोमर ए है एक बी है पहले ए ए जुड़े फिर बी बी फिर ए ए फिर बी बी लेकिन एक जो है एक सीक्वेंस में जुड़ते हैं अब जो ग्राफ्ट कोपोलीमर होता है इसमें क्या होता है इसमें भी हमारे दो तरह के मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं तो जो दो तरह के मोनोमर इन्वॉल्व हैं उनमें से एक तो हमारा चेन बनाता है बैकबोन जिसे कहते हैं एक बैकबोन बनाता है और एक मोनोमर की हमारी साइड चेन होती है इसमें दोनों मोनोमर हमारे जो है ज, 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 इसमें पोलीपेप्टाइड चेन बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें जो दोनों मोनोमर होते हैं एक हमारा बैकबोन बनाता है और एक मोनोमर बनाता है साइड चेन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी टेक्टिसिटी क्या होती है ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्डेस्ट टेक्टिसिटी मोनोमर्स जो है किस तरह से अरेंज्ड हैं इस तरह उनका ओरिएंटेशन किस तरह का है थ्री डायमेंशन में उनका हमारा ओरिएंटेशन किस तरह का है इसके बेसिस पे जो है पोलीमर तीन तरह के हैं आइसोटैक्टिक सिंडियोटैक्टिक और एटेक्टिक आइसोटैक्टिक क्या है आइसोटैक्टिक वो हैं जिनमें साइड चेन जो है हमारे पोलीमर चेन के एक ही तरफ होते हैं उन्हें हमने कहा आइसोटैक्टिक सिंडियोटैक्टिक क्या है जिनमें हमारा साइड चेन का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है उन्हें हमने कहा सिंडियोटैक्टिक और ए वो होते हैं जिसमें साइड चेन का रेंडम अरेंजमेंट होता है कहीं ऊपर कहीं नीचे चली जाएगी कहीं फिर ऊपर फिर कहीं नीचे ये अरेंजमेंट है हमारा ए तो टेक्टिसिटी के बेस पे पॉलीमर तीन तरह के हैं आइसोटेक्टिक सिंडियोटेक्टिक और एटैक्टिक नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन ओरिजन के बेसिस पे पोलीमर हमारे दो तरह के होते हैं एक नेचुरल एक सिंथेटिक नेचुरल वो जिनका ओरिजन ने, नेचर से होता है जो हमें नेचर से एज इट इज़ मिलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं ये हमारे नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या हैं जैसे प्लास्टिक्स हैं रबर हैं मतलब जो मैन मेड है जिसे आदमी ने बनाया वो है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर थर्मल बिहेवियर के बेसिस पे जो पॉलीमर हैं वो दो तरह के हैं एक थर्मोप्लास्टिक एक थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या हैं दोज पोलीमर विच ऑन हीटिंग एंड कैन बी माउल्डेड इन टू एनी से वो पॉलीमर जो हमारे हीट करने पे सॉफ़्ट हो जाते हैं और उन्हें हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं फिर दोबारा से हीट देके फिर किसी दूसरी शेप में रीमोल्ड कर सकते हैं बार बार रीमोल्ड कर सकते हैं अब दूसरी तरफ जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ये पॉलीमर्स जो हैं एक बार यदि हमने किसी शेप में डाल दिया तो फिर हीट करने के बाद वो डिफॉर्म्ड तो हो जाएंगे लेकिन रीशेप नहीं होते तो दोज पोलीमर विच कैन इरीवर्सिबली विच चेंज इरीवर्सेबली इन टू हार्ड एंड रिजिड मटेरियल ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रिशेप्ड वो पोलीमर जो जिन जो एक बार जैसी शेप ले लेते हैं वो ऐसे ही रहते हैं जिन्हें हम हीट के द्वारा रीशेप नहीं कर सकते वो होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग पोलिमर्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीमेट फॉर्म अल्टीमेट फॉर्म किस तरह की है पोलीमर की इस बेसिस पे पोलीमर हमारे तीन तरह के हैं एक प्लास्टिक एक इलास्ट्रोमस एक फाइबर्स प्लास्टिक वो पोलीमर्स हैं जो जो हार्ड और टफ यूटिलिटी आर्टिकल्स होते हैं और जो है ये हम कैसे बनाते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर तो इन्हें हम कहते हैं प्लास्टिक प्लास्टिक जो है हमारा हार्ड और टफ यूटिलिटी आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं तो एक प्लास्टिक इलास्टोमर्स वो हैं जिनके अंदर जो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं उन्हें कितना ही डिफॉर्म कर लें जैसे रबर है रबर को हम स्ट्रेच कर लें फिर उसे रिलैक्स कर दें मतलब किसी भी शेप में हम उसे रिमोल्ड कर सकते हैं रबर को फिर से वापस से उसी शेप में आ जाती है तो वो पोलीमर्स जो जो अपनी ओरिजिनल शेप ग्रेट डिफॉर्मेशन के बाद भी दोबारा ले लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अलास्टोमर्स तीसरा क्लास है इसमें फाइबर्स की फाइबर्स क्या होते हैं थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक मटेरियल्स विच हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये क्या होते हैं हमारे थिन होते हैं लॉन्ग होते हैं और थ्रेड लाइक मटेरियल्स होते हैं जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अब जो है हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में डिफरेंस जो थर्मोप्लास्टिक पोलीमर्स होते हैं वो तो बनते हैं हमारे एडिशन और कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन से दूसरी तरफ जो थर्मोसेटिंग पोलीमर्स हैं वो केवल कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन से बनते हैं अब सेकंड डिफरेंस जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में पॉलीमर चेन जो होती हैं वो एक दूसरे से वेडर वॉल इंट्रेक्शन से या डाइपोल मूवमेंट से जुड़ी हुई होती हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स होती हैं वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बोंड की हेल्प से जुड़े हुए होती हैं पोलीमर चेन जिन जिन कोवलेंट बोंड को हम क्या कहते हैं क्रॉस लिंक्स तीसरा डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक जो है वो हीट करने पे सॉफ़्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग नहीं होते नेक्स्ट डिफरेंस है जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो सोलिबल होते हैं शूटेबल सोलिवेंट में लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे थर्मोसेटिंग है ये जनरली इन होते हैं नेक्स्ट डिफरेंस है जो थर्मोप्लास्टिक है दे हैव आइदर लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर ये तो ये या तो लीनियर होते हैं या ब्रांच होते हैं दूसरी तरफ तो थर्मोसेटिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे थ्री डायमेंशनल क्लॉसलिंक स्ट्रक्चर्स होते हैं अब छठा डिफरेंस है जो थर्मोप्लास्टिक हैं उन्हें हम रीमोल्ड कर सकते हैं रीशेप कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं लेकिन थर्मोसेटिंग को ना ही तो हम रीमोल्ड कर सकते हैं और फिर से रीमोल्ड करके दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते अब जो थर्मोप्लास्टिक है ड्यूरिंग मोल्डिंग देर इज नो चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन मोल्डिंग के दौरान दोरा, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग के अंदर केमिकल चेंज आ जाते हैं यदि हम उसकी जो है उसे हीट करें मतलब दूसरी डिजायर्ड शेप में यदि हम उसे करने की कोशिश करें अब जो लास्ट डिफरेंस है वो ये है जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो होते हैं टफ मटेरियल होते हैं जैसे ये इसके एग्जांपल हैं पीवीसी वी है पोलिस्टर्स है दूसरी तरफ जो थर्मोसेटिंग पोलीमर्स होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं उन्हें हम रिमोल्ड नहीं कर हम जो है उसे मोल्ड नहीं कर सकते वो टूट जाते हैं इजीली तो ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं जैसे कि क्रॉसलिंग पोलीथाइलिन है पॉक्सीसेंस है ये सब हमारे थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हैं ये था हमारा आज का टॉपिक थैंक यू